हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में। 52 वीक का आई है 2766, 52 वीक का लो है 1785, क्वांटिटी आज ट्रेड हुई थी 11,34,639, डिलीवरी क्वांटिटी 6,31,733, डिलीवरी परसेंटेज 55.68, डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छी है। एक न्यूज है इस स्टॉक के बारे में, लाइका लैब्स एक्विजिशन बाय इप्का लेबोरेटरीज, यानी कि इप्का लैब ने लाइका लैब्स का एक्विजिशन कर लिया है, तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। 25 नवंबर की ये न्यूज़ है और इस न्यूज़ को मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया है, जिसकी वजह से आज इसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई दी। मार्केट कैप है 26,894 करोड़ की, डेट है 307 करोड़ का, प्रेज परसेंटेज 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, प्रमोटर्स की 46.29 से 46.29 कांस्टेंट है, FIIs की 17.47 से 18.46, ये भी बड़ी है। DIIs की 24.82 से 25.24, ये भी बड़ी है। गवर्नमेंट का स्टेक 0.28 से 0.22, ये कम हुआ है लेकिन लास्ट टू क्वार्टर में कांस्टेंट है। पब्लिक यानी रिटेलर्स 11.14 से 9.80, ये कम हुआ है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, सिर्फ रिटेलर्स की शेयर होल्डिंग कम हुई है, बाकी सब की बुलिश है। तो ये है इस स्टॉक का वनडे का चार्ट। वनडे के चार्ट में RSI है 45, ये है वन वीक का चार्ट, वन वीक के चार्ट में RSI है 45, ये है वन आवर का चार्ट, वन आवर के चार्ट में RSI 64। ओवरऑल तीनों चार्ट में RSI बुलिश है और ये स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में 2120.35 पे बंद हुआ है। तो अभी आप इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं, ये स्टॉक 2766 के हाई लगाता है और उसके बाद में 1965 के आसपास में नीचे सपोर्ट ले लेता है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने परसेंट ऑफ डिस्काउंट पे आपको ये स्टॉक यहाँ पे मिल रहा है। और आज इस स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छा रिवर्सल आया है, बहुत अच्छा एक इसने ग्रीन कैंडल बनाया है। ये स्टॉक एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करते हुए नीचे आया। वीकली अगर चार्ट में बात करेंगे तो वीकली में देखिए एकदम अपने सपोर्ट पे इसने यहाँ पे सपोर्ट पूरा प्रॉपर फॉलो किया है, उसके बाद से एक बुलिश कैंडल बनाई है। तो जो लोग ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्ट रहिए, कंपनी ख़राब नहीं है, स्टॉक ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा स्टॉक है। करंट मार्केट प्राइस पे भी आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। जो लोग इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री देख रहे हैं, आज का हाई ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। ध्यान रहे गैप अप और गैप डाउन, इन दोनों सिनारियों में आपको थोड़ा कॉशन रहने की जरूरत है। आज सेम ऐसे ही गैप अप ओपनिंग हुई डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक में और उसके बाद से जहाँ पे मैंने बताया था 4692 के आसपास में, वहाँ पे हम लोगों ने बाइंग भी की है और स्टॉक 4697 में बंद हुआ। तो सेम इसी स्टॉक में भी हो सकता है ये कल को गैप अप ओपन हो जाए, लेकिन आप नीचे आने दीजिए स्टॉक को, अपने सपोर्ट पे आने दीजिए। नीचे अगर आपको ये 2080 के आसपास मिले आप बाय कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है, आज के हाई के ऊपर निकलने दीजिए, आप बाय कर लीजिए। तो इसी स्टॉक के ऊपर के टारगेट होंगे 2160, 2275 और 2391, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं। नीचे इसका सपोर्ट यही है 1965, अगर ये इसने ब्रेक कर दिया तो उसके बाद से नीचे ये 1785 भी आ सकता है। तो ऊपर के टारगेट्स और सपोर्ट मैंने आपको बता दिए, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मेरी वीडियो को देख के आप बाय और सेल मत कीजिए, मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सो फ्रेंड्स, ये थी इस स्टॉक की बेस्ट एनालिसिस, थैंक यू सो मच।